नमस्कार आदाब दोस्तों, जिला 15 की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वोटिंग को लेकर के एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यहां पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था जिसमें चुनाव के अंदर गड़बड़ी करवाई जा सकती थी, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको इस पर विस्तार से जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों देश में सेकेंड कोरोना की वेव के अंदर जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से यानी हजारों लोगों की कैजुअल्टी हुई थी, इस मामले पर मोदी सरकार ने सच को कबूल लिया है। मोदी सरकार का बहुत बड़ा कबूलनामा, क्या कुछ उन्होंने कहा इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी के बीच एक बार फिर से भयंकर फूट पड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री पद संभालते ही अब कई विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ी बगावत कर दी है। क्या है पूरा मामला इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद अब जो है मध्य प्रदेश में गरीबों को कीड़े वाला किस तरह से राशन बांटा गया है, इसको लेकर के एक ताजा खुलासा हुआ है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार और बीजेपी का एक और नया कानून, एक और या राज्य में एक नया कानून लागू कर दिया गया है, कौन सा वो कानून है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, और लाखों करोड़ों देश के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी मौके पर आज एक इतिहास रचा गया है। क्या इतिहास रचा गया है इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अफगानिस्तान तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर के अभी अभी एक बड़ी खबर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को लेकर के आ रही है, इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के जो दादा हैं उन्होंने किसानों के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में होने वाले इन चुनाव के दौरान ईवीएम हैक का मुद्दा कई बार उठ चुका है जिसे सरकार द्वारा झुठलाया जा रहा है। इस मामले में मोदी सरकार द्वारा सफाई दी जाती है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, जबकि विपक्षी दलों ने ईवीएम हैक के सबूत भी पेश किए हैं। इसी बीच भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक किए जाने का मामला अब तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। बीते दिन उत्तर प्रदेश ने विपुल सैनी नाम के युवक को गिरफ्तार किया था जिसने बताया जा रहा है कि जिस पर चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड के जरिए लॉग इन कर 10,000 से ज्यादा वोटर कार्ड बनाए जाने के आरोप लगे हैं। पूछताछ के दौरान इसके बाद जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, आप खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ये मामला सामने आया है कि विपुल सैनी भाजपा शासित मध्य प्रदेश के हारदा से भी एक शख्स के संपर्क में था और उसी के इशारे पर काम कर रहा था। यह काम करने के लिए अब तक विपुल सैनी ने 50,00,000 रुपए ले चुके थे, और बताया जा रहा है कि अब सामने आया कि विपुल सैनी यह काम अकेले नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गिरोह उसके साथ काम कर रहा था जिसने मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में इसी तरह के फर्जीवाड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा खुलासा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों देश में कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग इस दुनिया में नहीं रहे, इस मामले पर ऑक्सीजन की कमी से जो कैजुअल्टी का मामला उठा था उस पर पहले मोदी सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन अब इस मामले पर मोदी सरकार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को छोड़ करके किसी भी राज्य ने विशेष रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण COVID-19 मरीजों की कैजुअल्टी की सूचना नहीं दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा था कि COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की कैजुअल्टी की खबर नहीं मिली है, लेकिन अब मोदी सरकार ने पलटी मारते हुए यह कहा है कि राज्यों ने हमको ऑक्सीजन की कमी से कितनी कैजुअल्टी हुई है इसका डाटा ही नहीं दिया है, इसकी रिपोर्ट ही नहीं दी है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में मोदी सरकार ने इस बात को कबूल लिया है
कि कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी के अंदर भयंकर फूट, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने दावा किया है कि कर्नाटक सरकार कभी भी गिर सकती है। शनिवार को राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा है कि यह सरकार ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। मीडिया से बातचीत में सिद्धारमैया ने कहा है कि इस सरकार में पहले की तरह ही भ्रम करार है, इस बात की काफी आशंका है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है कि मौजूदा सरकार किसी भी समय गिर सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। विधायक दिल्ली जा रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते तमाम विधायकों ने पहले ही बसवराज बोम्मई और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इसी के चलते एक बार फिर से येदियुरप्पा की तरह बोम्मई सरकार भी मुश्किलों में आ गई है। तो कर्नाटक में एक बार फिर से सियासी नाटक शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में गरीबों को कीड़ा लगा हुआ अनाज बांटने का मामला सामने आया है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और इन दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी ये दावा करती है कि हमने गरीबों का बहुत भला कर दिया है, विकास की गंगा बहा दी है। लेकिन विकास की गंगा बहाने वाली ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये खबर आप देख लीजिए, आप चौंक जाएंगे। जानकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले अब एक बार फिर भाजपा अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने की कोशिश में जुट गई है। इसी के चलते हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई राज्यों में अन्न वितरण महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को बांटे जाने वाले ज्यादातर अनाज में पत्थर और कूड़ा करकट पाया गया है, जिसकी तस्वीरें जनता सोशल मीडिया पर देख चुकी है। अब मध्य प्रदेश से भी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश में अन्न वितरण महोत्सव में करोड़ों रुपए का कीड़ा लगा अनाज लोगों को बांटा गया है। अब आप सोचिए, जिन लोगों को अच्छा अनाज देने की बात कही जाती है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, उसमें बताया जा रहा है कि ये फर्जीवाड़ा कीड़ा लगा हुआ अनाज गरीबों को बांटा जा रहा है। आप सोचिए, अगर वो अनाज ये खाएंगे तो बीमार क्या नहीं पड़ेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, असम के अंदर बीजेपी का एक और नया कानून, आप इस खबर को देख सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और कृषि कानून के बाद असम के अंदर एक और नया कानून लागू कर दिया गया है। असम में नए कानून के पास होने के बाद अब एक राज्य से दूसरे राज्य में मवेशियों को यानी कि एक्सपोर्ट के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि असम विधानसभा ने शुक्रवार को मवेशी संरक्षण बिल पारित कर दिया है। अब हिंदू धार्मिक स्थलों यानी मठ मंदिर आदि के 5 किलोमीटर के भीतर में बीफ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा भी बिल में कई तरह के अन्य प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज एक इतिहास रचा गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि देश के करीब 1.5 करोड़ भारतीयों ने राष्ट्रगान को अपने वीडियो के साथ एड करके भारत सरकार की वेबसाइट पर जो है इस वीडियो को अपलोड किया है। यह पहली बार देश में ऐसा रिकॉर्ड बना है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच संघर्ष को लेकर के एक और बड़ी खबर, आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पद से इस्तीफा देकर के परिवार संग छोड़ सकते हैं अफगानिस्तान, यानी देश छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। तालिबान के लगातार अफगानिस्तान के ऊपर हुए कब्जे को लेकर के अब अफगानिस्तान की सरकार और वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी को ऐसा उम्मीद हो गई है कि अब उनके हाथ से अफगानिस्तान निकल गया है, जिसके चलते वो अब देश छोड़ सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के दादा ने किसानों का किया समर्थन, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए, यानी कि जिस नीरज चोपड़ा को लेकर के भक्तों के अंदर मिर्ची लगी हुई थी, उसी नीरज चोपड़ा के दादा ने किसानों के समर्थन में अब सरकार के खिलाफ यह बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर सरकार से मांग की है कि सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगे पूरी करें और उनकी बातें सुने। आप लोगों की अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर।